नमस्कार, मैं नेहा खान, स्वागत करती हूँ आपका जीएन भारत में। अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बीते एक वर्ष से सुर्खियों में रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। धार्मिक भावनाएं आहत कराने के मामले में जेल जाने की नौबत आ सकती है। देखिए आगे की रिपोर्ट। मामला जैन मुनियों पर अभद्र टिप्पणी से जुड़ा है। मिली जानकारी के मुताबिक बोरियो विधानसभा सीट से झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ दिल्ली में संजय जैन नामक व्यक्ति ने धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। इससे पहले गोड्डा मुफस्सिल थाना और ललमटिया में भी लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। बताया जाता है कि शिकायतकर्ता ने पुलिस को मामले के वीडियो साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं। बता दें कि गिरिडीह जिला के पारसनाथ स्थित सम्मेद शिखर जी को लेकर जैन समाज और आदिवासी समुदाय आमने सामने हैं। एक ओर जहां जैन आंदोलन के बाद राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्र ने पारसनाथ में पर्यटन संबंधी गतिविधियों पर रोक लगा दी, वहीं आदिवासी समुदाय पारसनाथ को जैन समाज को सौंप देने का आरोप लगाते हुए उसे मरांग गुरु घोषित करने की मांग कर रहा है। लोबिन हेम्ब्रम इस मामले में लगातार मुखर है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता में जैन मुनियों की वेशभूषा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आरोप है कि 10 जनवरी को गिरिडीह जिला के मधुबन स्थित थाना मैदान में आदिवासियों के महाजुटान के दौरान अपने संबोधन के दौरान भी लोबिन हेम्ब्रम ने जैन मुनियों पर अभद्र टिप्पणी की थी। मसले पर जैन समाज का कहना है कि हमें आदिवासी समाज की मांगों से आपत्ति नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जैन मुनियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से बचना चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।